राधे राधे दोस्तों, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। दोस्तों मैं अरविंद एक बार फिर लेकर आया हूँ आपकी रनिंग स्टेमिना स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ाने के लिए ग्राउंड ट्रेनिंग का एक बहुत अच्छा वर्कआउट। दोस्तों ये वर्क जो है फिजिकल एग्जाम वालों के लिए और एथलीट के लिए वरदान है, आर्मी स्पेशल है। दोस्तों इस वर्क को करने और समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तो इस वर्क को शटल रन बोलते हैं। अब इस वर्क को करना कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों इसके लिए आपको 5 मार्कर चाहिए है। पहला मार्कर हम स्टार्टिंग पॉइंट पर रखेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट से हर मार्कर की दूरी 6 कदम रहेगी। 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे मार्कर की दूरी 6 कदम होगी। ऐसे ही पूरे जो 5 मार्कर है उनकी दूरी भी 6 कदम होगी। 1 2 3 4 5 6 रन को करना कैसे है अभी स्टूडेंट मेरे आपको करके दिखाएंगे। इसको 30 सेकंड में ही कंप्लीट करना है और 30 सेकंड का रेस्ट लेना है ना। ठीक है मैं इनको स्टार्ट। दोस्तों देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से सेकंड मार्कर पे जाते हैं, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से थर्ड मार्कर पे जाते हैं, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से फोर्थ मार्कर पे जाते हैं, वैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट से फिफ्थ मार्कर पे जाते हैं और इस बीच में रिटर्न भी वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। दोस्तों 30 सेकंड तो दूर है, इन लोगों ने 25 सेकंड में इस वर्क को कर दिया। अब ये 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे फिर वापस वर्क को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों शटल रन को करना कैसे रहता है मैंने अभी आपको बताया, मेरे स्टूडेंट ने आपको करके दिखाया कि हम शटल रन को कैसे करेंगे। दोस्तों अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि इसको करना कैसे रहेगा, वीक में कितनी बार करना रहेगा, इसके कितने सेट रहेंगे। दोस्तों एक सेट इन्हें 30 सेकंड में कंप्लीट किया, दूसरा 30 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर वापस स्टार्ट करेंगे ये 30 सेकंड के रेस्ट के बाद में, फिर 30 सेकंड में कंप्लीट किया, 30 सेकंड का रेस्ट लिया। ऐसे 6 सेट करने हैं। 6 सेट करने के बाद में 3 मिनट का रेस्ट चाहिए आपको। उसके बाद में आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, 6 सेट का एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 3 मिनट का रेस्ट लीजिएगा आप, फिर वापस वही प्रोसेस में स्टार्ट कीजिएगा। 30 सेकंड सेटल करना है, 30 सेकंड रेस्ट लेना है, फिर आपका दूसरा राउंड कंप्लीट होगा। ये स्टार्टिंग वर्कआउट है शटल रन का। दोस्तों शटल रन वर्कआउट से बहुत फ़ायदा होता है, मेरा यकीन मानिए 15 दिन में आपकी जो स्पीड है वो शटल रन वर्क करने से आपकी डबल हो जाएगी। और शटल रन भी आपको रेगुलर नहीं करना है, वीक में 3 बार ही करना है, मतलब 15 दिन में मानिए कि 6 से 7 बार शटल रन होगा। और शटल रन के फ़ायदे कितने होते हैं मैं हमारे स्टूडेंट से आपको बताता हूँ। बताइए आप कितना फ़ायदा होता है शटल रन से। सर मैं करीब 2 महीने से इस एकेडमी में जुड़ा हुआ हूँ। सर मेरा वजन भी 78 था और सर मेरे को खुद पे इतना भरोसा नहीं था कि मैं 2 राउंड भी बहुत मुश्किल से लगा रहा था, जबरदस्ती सर लग रहा था कि मैं फिजिकल की तैयारी छोड़ दूँ कोई दूसरी फील्ड ज्वाइन कर लूँ। लेकिन सर मैं आपसे जुड़ा और मैंने सर शटल रन किया तो इससे इतना स्टेमिना बिल्ड हुआ, मतलब मेरे को बहुत भरोसा आया खुद पर कि नहीं मैं चीज़ कर सकता हूँ। और सर मात्र 1 महीने में मेरे को अच्छी मतलब स्टेमिना हो गया, मैं अच्छे ग्राउंड लगा लेता हूँ, अच्छा मतलब अच्छा वर्कआउट कर लेता हूँ, थकता भी नहीं। मतलब स्ट्रेंथ भी आ गई है, स्पीड आ गई है। देखा मैंने आज भी आपने जो अपन ने 5 राउंड लाइट वर्क किया था, हमने 5 राउंड का बहुत अच्छे सबसे पहले आप आए थे। दूसरी जगह भी सर मैंने फिजिकल किया हुआ, लेकिन सर मैं दिन भर थक जाता था और दिन भर मतलब मेरे पैर इतने दर्द करते थे कि मैं बता नहीं सकता सर। लेकिन सर स्ट्रेचिंग भी इतनी अच्छी है कि ना मैं थकता हूँ ना दिन भर मेरे पैर दुखते हैं, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है आज। बहुत बढ़िया सर मेरा वर्कआउट, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों हमारा शटल रन वर्कआउट के और भी बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे शटल रन वर्कआउट है, सारे आपको मैं बताऊंगा। और अगर आपको करना हो तो आप हमारी एकेडमी से आके जुड़िए या फिर आप जहाँ हैं वहीं कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।